हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सतीश, आपको स्वागत है फैंटेसी विद शत्रुघ्न चौबे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड के बीच में होने वाला 11th T20 मैच के बारे में। अगर लीग की बात करें, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यहाँ पर विकेट कीपर में किसको पिक करना चाहिए, बैट्समैन में यहाँ पर कितने बैट्समैन तक सही रहेगा, ऑलराउंडर्स में बात करें यहाँ पर वो तीन ऑलराउंडर कौन है आपको कंपलसरी टीम में रखना पड़ेगा, गेंदबाजी में इकोनॉमी वाइज बॉलर कौन है और कितने बॉलर्स तक लेंगे तो यहाँ पर सही रहेगा, ये सारा जानकारी आपको यहाँ पर मैं बताऊँ। तो पहले वेस्ट इंडीज टीम की बात किया जाए तो इस सीजन में अभी तक दो मैच खेले, इसमें एक मैच जीते, एक मैच हार के थर्ड पोजीशन पे। और वही आयरलैंड टीम की बात करें यहाँ पर, ये भी दो मैच खेले, एक मैच जीते, एक मैच हार के फोर्थ पोजीशन पे। इसका मतलब है थर्ड पोजीशन वर्सेस फोर्थ पोजीशन के बीच में ये मैच खेला जाएंगे। तो यहाँ पर एक बार पिच को देख लीजिएगा, ये जो पिच है बैटिंग के लिए फेवरेबल है और यहाँ पर फेस बॉलर्स के लिए ज़्यादा सपोर्ट है और यहाँ पर एवरेज स्कोर 150, 170, 180 रन तक भी बन सकता है। और यहाँ पर वेन्यू की बात कर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहली राय ओवल हॉबार्ट में यहाँ पर खेला जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो अभी हम पिक करके बताऊँगा यहाँ पर कौन सा प्लेयर को आपको लेना चाहिए, सारा जानकारी इंपॉर्टेंट से बताएंगे। उसके बाद आपको दोनों टीम के जो लास्ट मैच की स्कोर कार्ड है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लेयर आपको ओपनिंग पे आ रहा है, मिडिल ऑर्डर पे कौन खेल रहे हैं, तो उसके बॉलर कौन है, इकोनॉमी वाइज बॉलर, स्ट्राइक रेट, इकोनॉमी कौन अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, ये सारा जानकारी जानेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन इससे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका हूँ। कुछ यूजर्स हैं मेरे नाम पे फेक चैनल बनाए, उससे बचने के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया। एक बार जाके वहीं पर लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। अगर तब भी लिंक ओपन नहीं होता तो तीसरा तरीका है भाई, टेलीग्राम पर जाकर आपको @shatrughan225 जाकर सर्च कीजिएगा। आप चिंता मत करना, वीडियो के बीच बीच में यहाँ पर स्क्रोल होगा दोस्तों, @shatrughan225 टेलीग्राम करके, तो उसी तरह आपको टेलीग्राम पे जाके सर्च करना, सर्च करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। तो चलिए यहां पर हम टीम बनाते हैं। तो पहला जो प्लेयर मैं पिक करने जा रहा हूं यहां पर रोमन पॉवल है। रोमन पॉवल की बात करें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है वेस्ट इंडीज टीम के लिए। यहां पर मैं लास्ट 10 मैचेस की बात कर रहा हूं, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। यहां पर 10 मैच में यहां पर 180 रन बनाए और एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहां पर मैं आयरलैंड के विकेट कीपर के साथ जा रहा हूँ क्योंकि निकोलस पोलन की फॉर्म इतना खास नहीं है। यहाँ पर लॉर्कन टकर ने अगर बात किया जाए तो लास्ट 10 मैच में 263 रन बनाए, तो इनको मैं पिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आयरलैंड टीम के एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है जॉर्ज डॉकरेल, अगर इनकी बात करें यहाँ पर लास्ट 10 मैच में 260 रन बनाए और इनकी जो एवरेज रहा बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 65 की एवरेज के साथ ये बैटिंग कर रहे हैं तो आप इनको लेना ही पड़ेगा। काइल मायर्स की बात करें यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टीम के एक बेस्ट ऑलराउंडर्स में एक है, यहाँ पर 8 मैच में 170 रन बनाए, तो इनको भी मैं पिक कर लेता हूँ। और गेंदबाजी में यहाँ पर जॉश लिटिल है, 10 मैच में 15 विकेट लिए हैं और इकॉनमी की बात करें थोड़ा ज़्यादा है, 7.59 इकॉनमी के साथ गेंदबाजी की, तो यहाँ पर इनको भी मैं टीम में रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर है दोस्तों ओडियन स्मिथ। ओडियन स्मिथ की बात करें यहाँ पर आपको इनसे बैटिंग भी देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर लास्ट 8 मैच में बात किया जाए तो 14 विकेट है, 8.18 इकॉनमी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर विकेट्स अच्छे ले रहे हैं, तो आप इनको टीम में जरूर रखिएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर मार्क आइदर, गेंदबाज है दोस्तों, यहाँ पर मार्क आइदर को भी आपको टीम में रखना जरूर। आयरलैंड के यहाँ पर एक बेस्ट बॉलर है, 10 मैच में 11 विकेट है, तो इनको भी मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के सबसे बेस्ट बॉलर है दोस्तों अल्जेरी जोसेफ, अगर इनकी बात किया जाए तो यहाँ पर 7 मैच में 13 विकेट लें, अगर इस सीजन में बात करें T20 वर्ल्ड कप में 2 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर्स पे जसन होल्डर है, 2 मैच में यहाँ पर रन्स तो ज़्यादा नहीं बनाए, 42 रन बनाए, लेकिन इनके नाम पे 5 विकेट ऑलरेडी है, तो आप इनको पिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बैट्समैन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्टिस कैंपर है, यहाँ पर ऑलराउंडर्स पर भी मिल सकते हैं आपको, ऑलराउंडर पर कर्टिस कैंपर अगर इनकी बात करें 2 मैच में इस सीजन में 99 रन बनाए, 2 विकेट लें, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो 10 प्लेयर को मैं यहाँ पर आसान से पिक कर लें। एक प्लेयर को पिक करना वो जो प्लेयर होगा 11th प्लेयर है, लेकिन 11th प्लेयर को पिक करना से पहले दोनों टीम के एक बार लास्ट मैच के स्कोर कार्ड जान लेते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, तो चलिए वो देख लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पर जो लास्ट मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ ने जिम्बाब्वे को यहाँ पर 31 रन से हराया था, तो यहाँ पर स्कोर देख सकते हो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ टीम ने यहाँ पर 20 ओवर पे 153 रन बनाए थे और यहाँ पर जिम्बाब्वे टारगेट को चेज करते हुए 122 रन पे ऑल आउट हो गया था। अगर वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग की बात करें आप यहाँ पर देख सकते हो काइली मायर्स यहाँ पर ओपनिंग पे आते हैं, 13 रन बनाए और उसके बाद जॉनसन चार्लस ने अच्छे खेले, 45 रन बनाए 36 गेंदों में। इवन लिविस यहाँ पर एक अच्छे प्लेयर है लेकिन लास्ट मैच में अच्छा नहीं खेल पाए, 15 रन बनाए। निकोलस पुरन कैप्टन है इस टीम का, 7 रन बनाए। तो यहाँ पर रोमन पॉवल ने थोड़ा मैच को संभाल लिया, 28 रन 21 बॉल पे। और उसके बाद सामर ब्रुक्स की बात करें 0 रन है, जसन होल्डन 4 रन बना के आउट हो गए। अकील हुसैन की बात करें 23 रन बनाए 18 गेंदों पर, इसमें 2 चौके लगाए। यहाँ पर ऑडियंस में तो यहाँ पर एक ही रन बना पाए 2 बॉल पर। अगर लास्ट मैच के स्कोर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जॉनसन चार्लस, उसके बाद यहाँ पर रोमन पॉवल, इवन लिविस थोड़ा यहाँ पर मैच को 15 रन बनाए, गेंद तो यहाँ पर 18 बॉल पे खेले थे, कितना अच्छा स्कोर तो नहीं बना पाए, लेकिन अगर गेंदबाजी में बात किया जाए तो कुछ बॉलर्स अच्छे बॉलिंग के। काइली मायर्स ने यहाँ पर जो पहला ओवर गेंदबाजी के बहुत धुलाई हुआ, उसके बाद इनको दिया गया नहीं, एक
ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं है ना। अकील हुसैन ने 4 ओवर में 25 रन दे गए, 1 विकेट, अच्छा गेंदबाजी के। अल्जरी जोसेफ सबसे अच्छा गेंदबाजी के, 4 ओवर में 16 रन 4 विकेट, तो अपन को टीम पे जरूर रखिएगा। ओबेड मैकॉय की बात करें 3 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट लें। जसन होल्डर ने 3.2 ओवर्स में यहाँ पर 12 रन देके 3 विकेट लें, तो यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी की भाई। यहाँ पर ओडियन स्मिथ ने 3 ओवर में 31 रन देके 1 विकेट लिया। लेकिन यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो बेस्ट बॉलर की अल्जरी जोसेफ और यहाँ पर आपको जसन होल्डर ने लास्ट मैच में मैच को पूरा पलटे अपन, क्योंकि वो जो लास्ट मैच है जिम्बाब्वे के खिलाफ, यहाँ पर अच्छे जिम्बाब्वे बैटिंग की, लेकिन यहाँ पर अल्जरी जोसेफ और जसन होल्डर आके बॉलिंग को पूरा संभाले, तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज वो मैच जीत पाए। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो वेस्ट इंडीज इस सीजन में 2 में से 1 मैच जीते, 1 मैच हारे, तो यहाँ पर ये जो मैच होगा वेस्ट इंडीज टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले भाई यहाँ पर। तो एक टीम की स्कोर कार्ड देखने के बाद आयरलैंड टीम के भी स्कोर कार्ड देख लेंगे, तो आपकी डाउट क्लैरिफाई हो जाएगी, चलिए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आयरलैंड टीम ने लास्ट मैच में यहाँ पर स्कॉटलैंड को 6 विकेट से हराया था। यहाँ पर आयरलैंड ने 177 रन की टारगेट दिया था यहाँ पर, तो 180 रन यहाँ पर तो एक ओवर रहते चेजिंग को कर लिया था। लेकिन लास्ट मैच में आयरलैंड की अगर बैटिंग की बात करें, पॉल स्टर्लिंग फ्लॉप ने 8 रन बनाए, एंडी बेलबर्न यहाँ पर 14 रन बना के आउट हो गए, लॉरकन टकर यहाँ पर विकेट कीपर 20 रन बनाए, हैरी टक्टर ने 14 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर अगर बात किया जाए तो कर्टिस कैंपर ने पूरे मैच को संभाले, 72 रन बनाए 32 बॉल्स में, इसमें 7 चौके 2 बड़े छक्के लगाए, और स्ट्राइक रेट की बात करें 225 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले। जॉर्ज डॉकरेल ने 39 रन बनाए 27 बॉल्स पे, और ये भी एक अच्छा बैटिंग है। दोनों ने यहाँ पर मिडिल ऑर्डर पे आके स्ट्रॉन्ग इनिंग्स खेला भाई यहाँ पर। लेकिन भाई गेंदबाजी में बात किया जाए तो यहाँ पर जॉस लिटिल ने 4 ओवर में 30 रन देकर 1 विकेट लिया, मार्क कैदर ने 4 ओवर में 23 रन 1 विकेट है, बैरी मैकट यहाँ पर बहुत धुलाई हुआ इनकी, तो यहाँ पर इस मैच में ले सकते हो, लेकिन एक ग्रैंडी के लिए एक इंपॉर्टेंट पिक रहेगा। गैरेट डैली को कोई विकेट नहीं मिला। अगर विकेट्स की बात करें, कर्टिस कैंपर ने गेंदबाजी भी अच्छे किए और बल्लेबाजी भी किए, तो यहाँ पर इनको अब टीम में जरूर रखिएगा। 2 ओवर में 9 रन 2 विकेट है, तो अगर गेंदबाजी में जॉस लिटिल मार्क आए इधर, तो उसका भाई कर्टिस कैंपर, यहाँ पर तीनों ने अच्छे गेंदबाजी के, इसलिए यहाँ पर लास्ट मैच में आयरलैंड टीम जीत पाया। तो भाई दोनों टीम के स्कोर कार्ड सब कुछ देखने के बाद यहाँ पर अब एक प्लेयर बचे, एक प्लेयर को किसको पिक करना चाहिए आपको मैं बता दूंगा, पॉल स्टर्लिंग हैरी टक्कर, तो यहाँ पर इवन लेविस को आप यहाँ पर लीजिएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पिक है, एक्सपीरियंस टीम है, यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीतने की भी चांसेस बहुत हाई है। तो अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पर जसन होल्डर यहाँ पर कैप्टन पर सही रहेगा, वाइस कैप्टन पर दोस्तों यहाँ पर कर्टिस कैंपर को आप रख लीजिएगा। एक टीम एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, 1 विकेटकीपर 3 बैट्समैन 3 ऑलराउंडर 4 गेंदबाज है। तो भाई ये जो टीम है पहले इस टीम को आप सेव करके रख लेना, जो फाइनल टीम होगा आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी पिन कर चुका, एक बार जाके लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। आपको जो टेलीग्राम चैनल का तीसरा जो तरीका है, आप टेलीग्राम पे जाके अगर आप इस प्रकार सर्च कर लेते हो @शत्रुघ्न टाइप करना भाई यहाँ पर 225, इस प्रकार अगर आप सर्च करते हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल्स हो जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि विनिंग टीम फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम पे ही दे पाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।